हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ जेन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइको जेन, और ये है मोनिश। हेलो। और ये अपने सर
गोया का बजा रहा गोया इधर ला ओ तेरे की ओ कहाँ फेंक दिया बस मोने इतने दूर मत पे हिसाब से फेंक नहीं है नहीं एक्चुअली क्या है कुछ भरोसा नहीं है ना तेरी ये रहा ये रही और सर यार तुमको जेल से आ रहा हूँ गोवा में मजा आ रहा है अरे एक नंबर मजा आ रहा है गोवा में सब बड़ी एमपी हाउस छोटा गोवा है एमपी का लप्पू इधर आ जल्दी आ जल्दी आ बेटा इधर आ जा आ जा क्या देख रहा कितने पास जाऊं आ लप्पू इधर आ जल्दी जल्दी वो गया उधर वो बाहर भाग गया बैठ जा चलो बैठ जा आ बैठ जा वहाँ बैठ जा चल आ बोंगू आ जा जल्दी भागेगा इसको देख के तो भाग ही जाता हूँ घूम के आएगा अब कहा गई अरे बेल्ट मत छोड़ देने यहाँ बहुत महंगी मिलती है पकड़ गजा बोगा डाइविंग कर रहा है बोंगू डाइविंग कर रहा पानी पी लो नहीं नहीं उधर जा रहे हैं लोग है ना उधर बस ओनिश जबरदस्ती मत करो अब तो भाई जिंदगी में मत नहाना तू हमारे बोंगू भाई जीमी रहती तो कितने मजे करती जीमी, जीमी बहुत मजा करती जीमी तो अब फैल जाती है हम वो सच में वो बेचारी बहुत सही कुटिया थी बस क्या करें उसका समय इतना ही था बस
साहब हमारा हो गया नहा धो के एकदम चकाचक, मस्त मजा आया है। गोया का मजा चाहिए हो तो यहाँ आके गोया का मजा ले सकते हैं आप। सुबह आइए भोपाल से और दोपहर में वापस। अरे गोया वही है गोया में तो बियर भी है। यहाँ मस्त प्रोग्राम करो दाल बाटी का, मस्त एक नंबर, बहुत बढ़िया लगेगा। लप्पू को अभी तक चैन नहीं आया, कहाँ गया लप्पू? लप्पू ये रहा। लप्पू बेटा हाउ आर यू फीलिंग? सही लग रहा है नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है बताइए। लप्पू ने पूछ रहा है इसका मतलब अच्छा लग रहा है। खूब मजा आया लप्पू को तो। ये क्या यहाँ पे नीचे उतरने का थोड़ा सा ऐसा है, नहीं तो यहाँ भीड़ बहुत लगती है क्योंकि यहाँ रेत है ये। यहाँ पे बड़े लोग आएंगे जो सब जानते हैं कि हम पहले भी नहा चुके हैं। पहले भी नहा चुके हैं। मोनिक तो यार सब उड़ा, यहाँ उड़ा है ना, रेत उड़ा रहा बहुत देर से। तो भाई साहब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। नमामि देवी नर्मदे, जय नर्मदा माता की जय हो। तो अब भोपाल की ओर निकलेंगे, एक स्टॉप लेके कहीं पे भी। ये बहुत अच्छी जगह है तो आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। जो भोपाल से जो हाईवे गया है होशंगाबाद के लिए नया वाला हाईवे, उसी पे चलते चलते आइए तो आपको एक टोल नाका मिलेगा, उसके बाद ही है 1500 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ से पुल के साइड में से गाड़ी ऊपर खड़ी करनी पड़ती है और पुल के साइड से आप उतर सकते हैं। बस पानी ध्यान रखिए कि पानी उस टाइम पे यहाँ बराबर है, आपको ज़मीन दिख रही है, रेत दिख रही है तो ही उतरना। दूसरी चीज़, ज़्यादा पानी के अंदर जाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये रेत का टीला है, अंदर कहीं पे ब्रेक हो रहा होगा तो जैसे उस कॉर्नर पे आप पहुँचेंगे तो आपका पैर एकदम से घुस जाएगा और हो सकता है बहते पानी की वजह से वो टीला बह जाए और आप भी बह जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए सेफ्टी के साथ, किनारे किनारे पे आराम से खेलिए, मस्त पानी में इंजॉय कीजिए, कचरा मत फैलाइए। लोग यहाँ कचरा फैला फैला के जाते हैं, ये सही चीज़ नहीं है। अगर आप आ रहे हैं इंजॉय करने नेचर में तो उसे दूसरों के लिए भी साफ़ सुथरा वैसे ही छोड़ के जाइए जैसा वो है, कचरा फैला के अपने निशान मत छोड़िए प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं अब घर पहुंच के। काले पड़ गए, लप्पू इधर आ, ऊपर आ, ऊपर 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 आ, जल्दी आओ इधर। लैपी तो आ जा, ऊपर नहीं आएगा, नहीं आएगा लप्पू। लप्पू भाई थक गया, लप्पू जवाब दे रहा है, पूरे दे दिया जवाब, ये नहीं आना। तो भैया थकावट हो गई है और अब हम इस व्लॉग का समापन यहीं करेंगे क्योंकि थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे फिर उसके बाद देखो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, देखते हैं। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी, एंड ऑलवेज जय हिंद जय हिंद।